ये भारत में कई सालों से डिबेट का विषय रहा है कि जो स्टूडेंट्स इंडिया में आईआईटी, एनआईटी, आईएम जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स में स्टडी करके पास होते हैं, क्या उनको फिर विदेशों में जाकर जॉब करनी चाहिए या फिर वहाँ की नागरिकता लेकर वहीं पर सेटल होना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हर साल लाखों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स भारत में स्टडीज कम्प्लीट करके जॉब्स के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और फिर वहीं पर सेटल हो जाते हैं। जो भारतीय स्टूडेंट्स विदेशों में हायर स्टडीज करने के बाद वहीं पर सेटल होते हैं उनका तो चलो समझ आता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसे पर भारत के रिसोर्सेज के ऊपर अपनी एजुकेशन पूरी की हो और फिर वो बाद में अमेरिका, कनाडा या फिर ब्रिटेन में सेटल हो जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत का नुकसान तो होगा ही। हर साल लाखों की संख्या में भारतीय लोग विदेशों में जाकर सेटल हो रहे हैं और भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। भारतीय सरकार भी फॉरेन रेमिटेंसेस यानी जो ये लोग भारत पैसा भेजते हैं उनके लालच में ऐसा कोई प्रावधान नहीं करती है जिससे भारत का टैलेंट देश के बाहर ना जाए और हमारे नेशन बिल्डिंग में ये योगदान दें, मतलब कि भारत को तरक्की के रास्ते पर आगे लेने के लिए काम करें, क्योंकि जो भारत के प्राइवेट सेक्टर की स्किल्ड और कैपेबल क्रीमी लेयर होती है उनको विदेशों में अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, वहाँ पर अच्छा पे स्केल मिलता है, जिसके चलते वो वहीं पर जाकर सेटल होना पसंद करते हैं। अब ये सही है या फिर गलत, ये तो बेहद लंबी डिबेट का विषय है। हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ डेटा सामने निकल कर आया है जिसमें बताया गया है कि कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ली है या फिर भारत की नागरिकता छोड़कर भारतीय कौन से देश में सबसे ज्यादा सेटल हो रहे हैं और भारत की नागरिकता लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है और वो लोग कौन कौन से देश से आते हैं। आंकड़े सुनकर आप लोग भी शॉक होने वाले हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक पिछले 5 सालों में भारतीय सरकार ने जितने भी विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी है उनमें 87% लोग पाकिस्तान के थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, टोटल जितनी सिटीजनशिप एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई हैं, उनमें 87% पाकिस्तान से आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में दुनिया भर के मात्र 5,520 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई, जिनमें से 4,552 लोग पाकिस्तान से थे। ये तो हमको पता चल गया कि पिछले 5 सालों में मात्र 5,500 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है, लेकिन ये आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले भारतीयों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2021 तक 6,08,162 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़कर दुनिया के किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। ऑन एन एवरेज हर साल 1,21,000 भारतीय लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, जबकि मात्र 1,000 लोग ही भारत की नागरिकता ले रहे हैं। इसके साथ ही भारत की नागरिकता छोड़ने वाले 40% लोग अमेरिका की नागरिकता लेते हैं, जबकि 30% लोग ऑस्ट्रेलिया प्लस कनाडा की नागरिकता लेते हैं। साथ में ये भी सामने निकल कर आया है कि पिछले 5 सालों में मात्र 71 अमेरिकन सिटीजन्स ने भारत की नागरिकता ली है। भारत की नागरिकता लेने वाले लोगों की बात करें तो 87% लोग पाकिस्तान से आते हैं, जबकि 8% अफगानिस्तान से और 2% बांग्लादेश से आते हैं। इन तीनों देशों को मिलाकर ही 97% बन रहा है, यानी पिछले 5 सालों में जितने भी लोगों को भारत की नागरिकता मिली है उसमें 97% लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश से हैं। उसके अलावा मात्र 2.5 से 3% लोग ऐसे हैं जो दुनिया के बाकी हिस्सों से आते हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय यूथ के बीच फॉरेन में जाकर सेटल होने का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ते ही जा रही है। खैर, वैसे आपका क्या मानना है कि भारत के लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर सेटल हो रहे हैं, क्या ये भारत के लिए अच्छा संकेत है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।